सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो बाकी सारे मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर मीडिया से अलग है। सोशल मीडिया इंटरनेट के जरिए एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है जिसे यूज करने वाला पर्सन सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का यूज करके अपनी एक अलग ही लाइफ को मेंटेन कर सकता है। सोशल मीडिया इंसान की बनाई एक ऐसी चीज है जो खुद आज इंसान को कंट्रोल कर रही है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंसान जो डिसीजन लेता है उसमें 90% इफेक्ट सोशल मीडिया का होता है। एक बड़े राइटर चार्ल्स लेडबेटर ने कहा था, यू आर व्हाट यू शेयर। सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि बहुत से लोग इसके बिना एक दिन भी रह नहीं सकते। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिवाइसेस और इंटरनेट सस्ते होते जा रहे हैं और उसी तरह सोशल मीडिया मार्केट का भी बड़ा होना जाहिर है। और शायद यही रीजन है कि सोशल मीडिया में कभी डाउनफॉल नहीं आया है। और आज पर्सनल डेटा हम लोगों के लिए गोल्ड से कम इम्पोर्टेंट नहीं है। सब अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बचा कर रखना चाहते हैं, पर सोशल मीडिया पर लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सब डालना होता है। ईयर 2000 के बाद सभी इंडिविजुअल सोशल मीडिया कंपनीज नई सक्सेस को छूते दिखे। आज वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड्स में से सोशल मीडिया कंपनीज का नाम टॉप पर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक जैसे। सोशल मीडिया ने ना सिर्फ दुनिया को बदला बल्कि लोगों की सोच को भी बदला है। सोशल मीडिया पर छोटे बड़े सबको इक्वल फ्रीडम दी जाती है। कोई कैसा भी हो अपने ओपिनियंस को वर्ल्ड के सामने रख सकता है, लेकिन बहुत सारी कई कंट्रीज में वहां की रूल बनाने वाली गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट आप ज्यादा क्रिटिकल ओपिनियंस नहीं रख सकते। छोटे से गांव के लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू ना सिर्फ शहर के लोगों से बल्कि 13,500 किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका के लोगों से भी सेकेंड्स में जुड़ जाते हैं। सोशल मीडिया ने पोस्ट लेटर्स, PCO, STDISD जैसी सारी फैसिलिटीज का अब द एंड कर दिया है। अब पोस्ट में लेटर ना जाकर प्रोडक्ट्स डिलीवरीज की जाती हैं और फोन बूथ पर जाकर कोई किसी को कॉल नहीं करता। अब कनाडा में बैठे हुए दोस्त से भी बिना पैसे दिए व्हाट्सएप कॉल करके घंटों तक बातें कर सकते हैं। 19th सेंचुरी के एंड तक एक इंसान दूर बैठे किसी दूसरे इंसान से हाथों से लिखे गए लेटर्स भेजकर ही बात किया करते थे। और इसके साथ ही टेबल पर रखने वाले लैंडलाइन फोन्स को पर्सनल यूज के लिए रखना अब बस हिस्ट्री कहलाएगा। हर कॉइन की तरह सोशल मीडिया के भी दो साइड्स हैं, एक पॉजिटिव साइड जिसे हम सबका फायदा होता है और दूसरा है नेगेटिव साइड जिसमें सोशल मीडिया हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। सबको इक्वल राइट्स मिलने की वजह से यहाँ कोई भी अपनी आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है और सोसाइटी में कुछ गलत होने पर उसके अगेंस्ट आवाज उठाकर उसके अगेंस्ट जस्टिस की होप और बढ़ जाती है। 2010 में कई अरबिक कंट्रीज में डिक्टेटरशिप और वोटिंग राइट्स को छीनने की मनमानी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे जिसे अरब स्प्रिंग के नेम से जाना जाता है। सोशल मीडिया ने इस रेवोल्यूशन में अपना रोल प्ले किया क्योंकि उन देशों में आर्मी रूल और मोनार्की के डर से न्यूज चैनल्स ने वहां के लोगों की आवाज को दबा दिया था, पर सोशल मीडिया पे किंग का कंट्रोल ना होने की वजह से सोशल मीडिया लोगों की आवाज बना। उस समय लोगों ने ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज किया और उस समय ट्विटर पर 30 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए जिसमें लोग अपने राइट्स और प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आए और मिलकर राजशाही के अगेंस्ट एक हो गए। और इसी के इन्फ्लुएंस से इजिप्ट में कई साल बाद वोटिंग हुई। अभी कुछ साल पहले इंडिया में भी मीटू मूवमेंट हुआ था। वो बात अलग है कि सबके सब मीटू को कंसिडर नहीं किया गया, पर वो वुमेन जो कई सालों से अपने अगेंस्ट होने वाली क्रुएलिटी को लोगों को बताने में हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, उन्होंने अपने साथ लालच देकर हुई जबरदस्ती और मजबूरी का फायदा उठाकर फिजिकल कनेक्शन बनाने वाले अपॉर्चुनिस्ट्स के अगेंस्ट इंटरनेट के जरिए आवाज उठाई। और 2018 में ही मीटू कैंपेन में ट्विटर पर ही दुनिया भर में 1,19,00,000 ट्वीट हुए थे। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि इसमें आपके और हमारे जैसे आम लोग और छोटी बड़ी जगह से आने वाले सभी लोगों का अकाउंट है। आज सोशल मीडिया इतनी पावर रखता है कि आम इंसान को उसके टैलेंट से लोगों के सामने रखकर एक सेलिब्रिटी तक बना देता है। सोशल मीडिया ने हर तरीके के लोगों की लाइफ को इफेक्ट किया है और हमारी लाइफ्स को इजी बनाया है। सोशल मीडिया ने राइटर्स की जिंदगी भी बेटर कर दी है क्योंकि पहले राइटर्स को पब्लिशर को ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब राइटर्स खुद सोशल मीडिया पर ऑनलाइन बुक पब्लिश कर पैसे कमा सकते हैं। जनवरी 2021 तक सोशल मीडिया के कुल एक्टिव यूजर्स 420 करोड़ रहे हैं जो पूरी दुनिया का 53.6% है। और अभी भी हर साल सोशल मीडिया में 13.5% के अराउंड की ग्रोथ हो रही है, यानी हर साल 49 करोड़ और लोग सोशल मीडिया को ज्वाइन कर रहे हैं। सोशल मीडिया से जुड़ने वाले ज्यादातर लोग मोबाइल फोन से ऑनलाइन आते हैं और मोबाइल यूजर्स की फिगर आपको हैरान कर देगी। 420 करोड़ में से 98.8% लोग अब सोशल मीडिया पर मोबाइल ऐप से जुड़े हुए हैं।
Hey, आप प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस समय सबसे ज्यादा यूजर्स फेसबुक के पास है 274 करोड़, दूसरे नंबर पर है यूट्यूब जिसके पास 229 करोड़ यूजर है, और तीसरे नंबर पर व्हाट्सएप है जिसके पास 200 करोड़ यूजर्स है। इसके नेगेटिव चैलेंजेस ये हैं कि सोशल मीडिया ज्यादातर देशों में अपने खुद के रूल रेगुलेशन फॉलो करता आया है, और गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को अब जाके मॉडरेटली एक्सेप्ट किया जाने लगा है। अमेरिका की टॉप में से एक MIT यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर फेक न्यूज 70% ज्यादा स्पीड से स्प्रेड होती है। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि सोशल मीडिया एक वर्चुअल वर्ल्ड है, उसी तरह गुंडागर्दी जो पहले सड़कों पर हुआ करती थी, अब वो सोशल मीडिया पर भी होने लगी है। सोशल मीडिया पर ट्रॉलर्स होते हैं जो किसी की भी इमेज को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया यंगस्टर्स की लाइफ को गलत तरीके से अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन का रीजन बनती है। ह्यूमन माइंड जो है वो नेचुरली ही ऐसा बना है कि इसे डिफिकल्टीज कम और इजी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और जब हम माइनर एज में होते हैं, उस टाइम दिमाग का सही गलत का डिफरेंस कर पाना लॉजिकल नहीं है, जिस रीजन से माइनर एज में यंग बॉयज एंड गर्ल्स कंफर्ट जोन में जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। और कंफर्टेबल जोन का सबसे बड़ा प्लेस सोशल मीडिया है, फिर यंगस्टर्स को सोशल मीडिया की लत भी लग जाती है, और किसी भी चीज की एडिक्शन जो है डिस्ट्रक्टिव है। सोशल मीडिया कंपनीज अपने प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करती रहती हैं। अब लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने सोशल अकाउंट्स को चेक करना चाहते हैं, और सोने जाने से पहले भी सोशल मीडिया पे एक आखिरी लुक इम्पॉर्टेंट हो गई है। एक बार हैबिचुअल होने के बाद इसके बिना लाइफ इनकम्प्लीट सी लगती है। यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करना ठीक है, बट डिपेंडेंसी इज नॉट राइट। आई एम दिनेश बजाज एंड यू आर वॉचिंग द टॉप रूपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द टॉप रूपी। आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड हे, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कीप नोइंग।